मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने का संकल्प लेकर निकले कंप्यूटर बाबा ने नया और अलग तरीका निकाला है। लोकतंत्र बचाओ यात्रा लेकर ग्वालियर पहुंचे कंप्यूटर बाबा ने साथी साधुओं के साथ कबड्डी खेली और कहा, हम कबड्डी खेलकर तय करते हैं कि 25 गद्दारों को बाहर करने के लिए उनके खिलाफ कब कौन सा दाव लगाया जाए। कांग्रेस सरकार को गिराने वाले पूर्व विधायकों को गद्दार बताते हुए उनको सबक सिखाने के लिए कंप्यूटर बाबा लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। बाबा प्रदेश की उन सीटों पर जा रहे हैं जहां के पूर्व विधायकों ने धोखा देकर कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराया है। रविवार को ग्वालियर पहुंचे कंप्यूटर बाबा ने माधव डिस्पेंसरी के सामने जैन छात्रावास प्रांगण में अपने साथी साधुओं के साथ कबड्डी खेली।